हाँ जी बच्चे, आप चैप्टर कर रहे थे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, जिसे अपना आर्टिकल चल रहा सीगा दैट वी आर डूइंग विद द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग कर रहे थे आप, जिसे अंदर बैठे आप कैटल्स पाल लिया सीगा। ठीक है, यानी कि अपने को इन जनरल अपने दो आर्टिकल्स ने जड़े वो कर लिए सीगे। एक फर्स्ट आपने कर लिया सीगा बेटे पोल्ट्री फार्मिंग कर लिया सीगा, एक आपने इन जनरल जड़ा सीगा अपना कैटल फार्मिंग। ठीक है, एनिमल हसबेंडरी दे अंडर आपने कैटल फार्मिंग ते पोल्ट्री दो जड़े आर्टिकल सीगे और लास्ट क्लास दे अंदर आप देख ले सीगे। नेक्स्ट जड़ा अपना आर्टिकल है बेटे दैट इज डीलिंग विद द फिशेस, फिशरी उन्होंने कहते हैं। फिशरी का मतलब होंगे फिशेस, मछली पालन। ठीक है, फिशरी या मछली पालन इहदा मतलब की है बेटे, कुछ एरियाज दे अंदर फिशेस नू एज अ फूड खाया जांदा है। तो फिशेस नू एज अ फूड खाया जांदा दा मतलब जिवें जिवें पॉपुलेशन राइज हो रही है तो फिशेस दी ग्रोथ होनी भी जरूरी है ना। तो फिशेस ने जिहड़ियां क्योंकि नैचुरल कंडीशन दे अंदर जिहड़ा समुंदर दे अंदर फिशेस ने या रिवर्स दे अंदर ने उहनां दी पॉपुलेशन ओवें राइज नहीं हो रही। ठीक है, उन्हां नूं आर्टिफिशियली पॉन्ड्स दे अंदर ग्रो कराना दैट डील्स विद द मॉडर्न कल्चर दैट इज द फिशरी। ठीक है, द फिशरी दो तरीके नाल होंदी, नैचुरली भी होंदी है मतलब मैरीन या समुंदर दे अंदर जिहड़ियां फिशेस अवेलेबल ने, एंड आर्टिफिशियल फिशरी। आर्टिफिशियल दे अंदर आपां कहते मैन मेड पॉन्ड्स दे अंदर फिशेस नूं ग्रो कराना। ठीक है, तो फिशरी है जिहड़ा बेटे ये अपने कोल की आ जांदा है, फिशेज ने जिहड़ियां क्योंकि फिश है जिहड़ा वो बहुत आपां ये कह सकदे कि गुड टाइप ऑफ एक्वैटिक फूड है जो कि हाईली न्यूट्रिशियस एंड ईजीली डाइजेस्टेबल काइंड ऑफ द फूड है। ठीक है, द फिशेज ने जिहड़ियां दैट इज द फिश फूड इज हाईली न्यूट्रिशियस एंड ईजीली डाइजेस्टेबल, तो इस करके ए फूड है जेड़ा इट इज वन ऑफ द जड़े जड़े भी लोग नॉन वेजिटेरियंस ने उन्हां दे अंदर ए बहुत गुड काइंड ऑफ फूड है। ठीक है, मतलब उन्हां लई बहुत उन्हां नूं अट्रैक्टिव काइंड ऑफ द फूड है। तो अपने कोल बेटे ऑन द मोड्स ऑफ ऑबटेनिंग द फिशेस, फिशेस नूं आपां कीवें ऑबटेन कर सकते हैं, दो तरह की फिशरी होंदी है बेटे, कैप्चर फिश एंड कल्चर फिश। कैप्चर फिश दे अंदर आ जांदा बेटे मैरीन रिसोर्सिस चो फिशरी करना, कैप्चर फिश जो अपन नैचुरली समुद्र चो या मैरीन रिसोर्स चो फिशरी करते हैं आप कैप्चर फिश। कल्चर फिश का मतलब होंगे आर्टिफिशियल जो पॉन्ड्स ने उन्होंने अंदर या नैचुरल वाटर के अंदर फ्रैश वाटर के अंदर जी आप फिशरी करते हैं उन्होंने आप कहने कल्चर फिशिज। ठीक है, कल्चर 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 फिशरी इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग द फिशेस। ठीक है, हुन अपने कोल है फिशरी नूं अगर आपां कहीए वाटर दीआं कंडीशंस दे अकॉर्डिंग तां इहनूं आपां चार टाइप्स दे अंदर डिवाइड कर लैंदे आ बेटे। एक्वा कल्चर जिहदे अंदर वेरियस काइंड ऑफ एनीमल्स नूं जिहड़े पानी दे अंदर रहिंदे ने उहनां नूं एज अ फूड रिसोर्सिस ग्रो कराना दैट कम्स अंडर द एक्वा कल्चर। फिर बेटे अपने कोल सैकेंड है मैरी कल्चर, मैरी कल्चर दे अंदर जिहड़ियां कमर्शियल यूज लई जिहड़े फिशेस नूं ग्रो कराया जांदा है वह मैरी कल्चर है। दैन इज द मैरीन कल्चर, मैरीन कल्चर मतलब खारे पानी दे अंदर समुद्र दे अंदर जिहड़ी फिशरी कीती जाए वह मैरीन फिशरी है। नैक्सट इज द इनलैंड फिशरी, इनलैंड फिशरी का मतलब है फ्रैश वाटर दे अंदर जिहड़े आर्टिफिशियल पॉन्ड्स ने बना के फिशरी कीती जाए दैट इज कॉल्ड एज द इनलैंड फिशरी। ठीक है, तो अगर आप कहीए कि फिशरी है जे अगर आप एक्वैटिक फूड्स के बिहाफ से कही तो एक्वा कल्चर जिदे अंदर सिर्फ फिशेस नहीं कई तरह के जानवर ने जेडे मतलब जो ईटेबल्स ने उन्होंने जिम्मे क्रैब्स ने। ठीक है, उन्होंने जेडे खा सकते ने सी जेडे लोग जिन उन्होंने खाते ने तो वह जेडे सारे के सारे आ जाते हैं फिशेस क्रैब्स उन्हों एक्वा कल्चर कहते हैं। मैरी कल्चर, मैरी कल्चर के अंदर वह फिशेस जिहड़ियां इकोनॉमिक परपज लई यूज कीतियां जांदियां ने। ठीक है, मैरीन कल्चर एंड इनलैंड फिशरी। ठीक है, मैरीन इनलैंड। ठीक है, चार ने।
एक्वा कल्चर के अंदर आ गया बेटे ग्रोइंग ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स जिवें कि प्रॉन्स हो गए, फिशेज हो गए, क्रैब्स हो गए, ठीक है। मैरीन के अंदर आ गया फिश कैचिंग एरियाज फाउंड इन द सी, ठीक है, जेड़े जेड़े एरियाज जिथे समुद्र प्रेजेंट है उत्थे जेड़ी फिशरी हुंदी है वह मैरीन फिशरी है। मैरी कल्चर ओहो फिशेज जिन्हां नूं कमर्शियल परपज लई फिशेज का कल्चर करना मैरीन फिशेज का उन्हूं मैरी कल्चर कहिंदे ने। इनलैंड फिशरी फ्रैश वाटर के अंदर जिहड़ी फिशरी हुंदी है बेटे उन्हूं आपां इनलैंड फिशरी कहने आ, ठीक है बेटे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कल्चरिंग, तो कैप्चर फिशरी मैरीन के अंदर आ गया एंड अपने कोल कल्चर फिशरी फ्रैश के अंदर आ गया। इस तो इलावा कुछ टर्म्स ने जो कि फिशेज दी ग्रोथ दे अकॉर्डिंग कि कई सारे एनिमल्स नू ग्रो कर रहे हो, कलियां फिशेज नू ग्रो कर रहे हो, फ्रेश वाटर दे अंदर ग्रो कर रहे हो या मैरीन वाटर दे अंदर ग्रो कर रहे हो, ओदे अकॉर्डिंग अपने कोले फोर टर्म्स ही गया। उस तो बाद है बेटे अपने कोल कल्चर फिशरी एंड कंपोजिट फिश कल्चर। पहले है बेटे कल्चर फिशरी, कल्चर फिशरी दे अंदर अपने कोल की आ जाता है कल्चर फिशरी, फिर आप पढ़ांगे कंपोजिट फिश कल्चर। सब तो फर्स्ट है कल्चर फिशरी, कल्चर फिशरी दे अंदर आ गया जो आप स्मॉल वाटर बॉडी दे अंदर फिशेज नू रियर करते हैं तो उन्होंने हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। स्मॉल वाटर बॉडीज दे अंदर जिवें कि पौंड है, ठीक है, ओदे अंदर फिशेज नू कल्चर करना दैट इज कॉल्ड एज द कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी के अंदर कई तरह के फिश कल्चर होंगे ने, यानी कि वी हैव इज मोनो कल्चर, सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ फिशेज ने जिहड़ियां उन्हां नू ही कल्चर किया जाए मोनो कल्चर। मोनोसेक्स, ठीक है, कल्ले फीमेल या मेल फिशेज जो भी रिक्वायरमेंट है उस एरिया की उन्हां नू कल्चर करना। थर्ड है बेटे पॉलीकल्चर जिथे 5 to 6 टाइप ऑफ स्पीशीज, वो अगेन डिपेंड करते ना फिर पॉन्ड दी साइज दे ऊपर, दैट इज पॉलीकल्चर जिथे 5 to 6 टाइप्स ऑफ फिशेज ने जिहड़ियां उन्हां नू रियर ते हार्वेस्ट किया जाए उन्हों आपां कहने आ कल्चर फिशरी, ठीक है। तो कल्चर फिशरी ओह फिशरी होगी, यानी कि आपां इह कह सकदे कि इनलैंड फिशरी फ्रैश वाटर दे अंदर जिहड़ी फिशरी कीती जांदी है वह दो तरह की है, कल्चर फिशरी एंड कंपोजिट फिशरी। कल्चर फिशरी होंदी है जिहड़ी अपने कोल आपां कहिंदे जिहड़ी स्मॉल वाटर बॉडीज दे अंदर फिशेज नू रेयर किया जाए ते फिशेज नू हार्वेस्ट किया जाए वह अपने कोल है कल्चर फिशरी, जिहदे अंदर है मोनो सेक्स मोनो कल्चर एंड पॉली कल्चर फिशरी, ठीक है। उस तो बाद है बेटे इनलैंड फिशरी दीआं टाइप्स ने बेटे, ये दोनों ही इनलैंड फिशरी की सी जदों आपां फ्रैश वाटर दे अंदर फिशिंग करते हैं मतलब फिशेज नू ग्रो करते हैं हार्वेस्ट करते हैं तो वह अपने कोल हो गया ये दो तरह का है कल्चर फिशरी एंड अपने कोल की हो गया कैप्चर या कंपोजिट फिशरी। हुण सैकेंड है बेटे कंपोजिट फिशरी, कंपोजिट फिशरी क्यों करते हैं बेटे, ये आपां कह सकते हैं कि ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 6 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟੈਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਫੇਸ ਫੀਡਰਸ ਨੇ। ਸਰਫੇਸ ਫੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 2 ਚੋਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 6 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, 4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 4 ਚੋਂ 2 ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਿਸ਼ਰ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਫੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਂਥਿਕ
मतलब नीचे वाले पोर्शन जो अपना फीड है जिहड़ा वो ऑब्टेन करदे, तां सब दा लिविंग स्टैंडर्ड है जिहड़ा वो डिफरेंट डिफरेंट है। मैंने एक फिश दो फिशेस ने जिहड़ियां वो किसी होर कंट्री च उहनां दा लै लिया, जो भी उहनां दा मतलब लाइक आपां इह कह सकदे कि कल्चर है वो मैं मंगवाया, ठीक है। दो फिशेस किसी होर कंट्री दे उहनां दे खाण पीण दीआं हैबिटैट्स डिफरेंट डिफरेंट ने, तां आपां डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस नूं उहनां दीआं फीडिंग हैबिटैट्स दे अकॉर्डिंग एक फीड एक पौंड दे अंदर ग्रो कराना, उन्होंने आर्टिफिशियली खाना पीना देना, आर्टिफिशियली उन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, कंडीशंस देना, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फिशरी, ठीक है। क्योंकि फिशेज का जो कल्चर है वो डे बाय डे इंडिया के अंदर या वेरियस कंट्रीज के अंदर इनक्रीज हो जा रहा है, तो सी वॉटर के अंदर इनिया मतलब ये आप कह सकते ओवर एक्सपलॉयटेशन करके पोल्यूशन करके सी वॉटर के अंदर फिशेज की प्रोडक्शन है जी डिक्रीज हो जा रही है, तो फिशेज की प्रोडक्शन नूं आर्टिफिशियल कंडीशंस दे अंदर ग्रो कराना जो कि एक कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन नूं भी राइज कर सकती है। तो अपने कोल की हो गया एक पौंड या टैंक है जिदे अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटीरिया दीआं फिशेज नूं आपां ने इकट्ठा किया ते उन्हां नूं ग्रो किया, आर्टिफिशियली फूड प्रोवाइड किया, आर्टिफिशियली मतलब बाहरों दे उन्हां नूं फूड प्रोवाइड करना, नैचुरल फूड दे उपर फीड नहीं करेंगे क्योंकि वह पौंड ही तुसी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल बहुत सारे जेडे फिशरी दे नाल डील करते हैं लोग उन्होंने इकोनॉमिकली बहुत फायदा हो सकता है। तो इस तरह के फिश की अगर आप एग्जाम्पल्स करिए बेटे, तो अपने कोल कैटला फिश है जी सरफेस फीडर है, सिल्वर कार्प है जी सरफेस फीडर है बट फाइटोप्लैंकटन है, रोहू फिश है जी मिडल जोन ऑफ द पौंड के अंदर फीड करती है, ग्रैस कार्प फिश है जी वाटर फीड वाटर के जो वीड्स होंगे उन्होंने उपर फीड करती है, मृगाल फिश है जी बॉटम डवेलर है बॉटम फीडर है, एंड कॉमन कार्प है जी ओमनीवोरस है छोटे छोटे लिविंग ऑरगैनिजम्स नू खा जाती है, ठीक है बेटे। तो इहदियां एडवांटेजेस की ने बेटे, यह अपने को कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड रिसोर्सिज इन द पौंड, पौंड के अंदर जिन्हें भी तरह के फूड रिसोर्सिज ने उन्होंने सारिया के उपर डिपेंडेंट ने कि इन्हां दे अंदर कोई कॉम्पीटिशन नहीं हैगा, एंड इस तरीके दे नाल फिशेज ने जिहड़ियां ओह ज्यादा डेवलप हुंदियां। देखो फिश जेकर मान लो आपां ने एक नैचुरल कंडीशन है तो एक बड़ी फिश एक छोटी फिश नूं खा जांदी है, बट हुण आपां सारियां फिशेज अपनी मर्जी दे नाल चूज कीते हैं, उन्हां दा सब दीआं फीडिंग हैबिटैट्स डिफरेंट डिफरेंट ने, तां आपां नूं यील्ड है जिहड़ी ओह ज्यादा मिलेगी, ज्यादा नंबर ऑफ बेबीज ने जिहड़े उन्हां दे ग्रो होणगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द कंपोजिट फिशरी, ठीक है। कंपोजिट फिशरी दे बेनिफिट्स ने, ठीक है। आपने अज की किता हुने तक फिशरी की आती है, क्योंकि देखो फिश है जिहड़ी वो एक बहुत गुड सोर्स है जिदे अंदर वाइटमिन ई यानी कि हाईली न्यूट्रिशियस है, हाईली ईजीली डाइजेस्टेबल है। तो जिहड़े लोग फिश दे उपर डिपेंडेंट ने दे नीड द फिश फॉर देयर डेली लाइफ, बट ड्यू टू पोल्यूशन ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन फिशेज ने जिहड़ी वो नैचुरल कंडीशन दे अंदर उन्हां दी ग्रोथ है जिहड़ी वो डिक्रीज हो चुकी है, तो उन्होंने इनक्रीज करन लई आपां फिशरी करते हैं, ठीक है बेटे। तो हुण अपने कोल की आ गया फिशेज ने जिहड़ियां आपां ने पहले कहा फिशेज दो तरह दी फिशरीज हुंदियां ने, कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। कैप्चर मतलब नैचुरली समुंदर च ग्रो कीती आपां उन्हां नूं कैप्चर कर लिया, कल्चर उन्हां नूं ग्रो करना। कल्चर आपां ने फिर फर्दर कहा कि कल्चर अपने कोल कई तरह का है, एक्वा कल्चर मैरीन मैरी कल्चर एंड इनलेट फिशरी। एक्वा मतलब पानी के अंदर कई तरह के जीवों खाण वाले जीवों नूं ग्रो कराना, मैरीन मतलब सॉल्ट वाटर दे अंदर, मैरी मतलब हैगी सॉल्ट वाटर फिश है सॉल्ट वाटर च ग्रो करा रहे हो बट कमर्शियल परपज लई, ठीक है। इनलैंड मतलब फ्रैश वाटर। इनलैंड फिशरी दो तरह की है, वी हैव इज द कल्चर फिशरी एंड वी हैव इज द कंपोजिट फिशरी, क्लियर है। कल्चर फिशरी के अंदर नैचुरल पौंड ने जिहड़े ओह वर्क करते हैं, बट कंपोजिट के अंदर आप अपनी मर्जी के नाल पौंड कंस्ट्रक्ट करते हैं, सब आर्टिफिशियल कंडीशन ने, ईवन आप फिशेज तक अपनी मर्जी दियाँ चूज करते हैं कि सब दे हैबिटेट्स डिफरेंट होने चाहिए ने ताकि कोई फिश एक दूसरे नू ना खाए, ठीक है बेटे। तो दैट इज द फिशरी। उस तो बाद है बेटे अपना नेक्स्ट आर्टिकल, फिशरी तो बाद वी आर मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज द बी कीपिंग। सब तो पहले बी कीपिंग हुंदा की है मधुमक्खी पालन, ठीक है। मधुमक्खी पालन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीज तो आपां नूं नैचुरल सबस्टेंस दैट इज द हनी ये आपां ऑब्टेन कर ले, इस तो इलावा होर भी बहुत सारे सबस्टेंसेस ने, बी दे जिहड़ा छत्ता हुंदा हाइव उहदे चों आपां वैक्स ऑब्टेन करदे हां,
हनी तो अपन मिलता ही मिलता है जो कि अपन वेरियस डिजीजेस के अंदर फाइट करने च हेल्प करता है। ठीक है, तो बी कीपिंग इज आवर नेक्स्ट आर्टिकल। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन, फिशरी मतलब मछली पालन, मत्स्य कहते हैं बेटे। ठीक है, मछली पालन। ठीक है, तो अपने को आ गया बेटे बी कीपिंग का मतलब की है प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग और कीपिंग द बीज इज कॉल्ड एज द बी कीपिंग। प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बीज इज कॉल्ड बी कीपिंग। क्लियर है बेटे? क्यों करते हैं बी कीपिंग? टू ऑब्टेन बी वैक्स विच इज यूज इन मेनी ऑफ द फेशियल प्रोडक्ट्स, पॉलिशेस। ठीक है, कुछ जगह ते बीज ने जड़ियां ओ पोलन मतलब प्लांट्स दे अंदर फर्टिलाइजेशन दे अंदर भी हेल्प कर दिया ने। मतलब पोलन ग्रेन्स नु एक प्लांट तो दूसरे प्लांट दे ऊपर पैरां दे नाल स्टिक कर लेंदियां ने, फिर वो डिलीवर कर देंदियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ देम। ठीक है, फिर अपने कोल इना तो हनी है जेड़ा ओ ऑब्टेन हुंदा विच इज नेचुरल शुगर। ठीक है, नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट नहीं जो कि बॉडी के अंदर वेरियस डिजीजेस नू बैलेंस करन दे अंदर अपनी हेल्प कर दिया ने। तो इंपॉर्टेंस की है बेटे बी कीपिंग दी, क्योंकि हनी है जेड़ा वो नेचुरल फूड है जिदे अंदर नेचुरल शुगर्स ने बहुत सारिया डिजीजेस दे अंदर हेल्प करता है। इधर शायद मैं दसन की भी जरूरत नहीं हैगी ना कि हनी है जेड़ा हुण देखो सर्दियों के अंदर कफ कोल्ड के अंदर आप गर्म पानी के अंदर हनी डिजोल्व करो एंड टेक इट। ठीक है, दैट इज द यूजेस ऑफ द हनी। तो अपने कोल की आ गया बेटे हनी है जेड़ा हुण अपने कोल बहुत सारिया डिजीजेस नू ट्रीट करन दे अंदर हेल्प करता है। बीज ने जेड़ी वो पोलिनेटिंग एजेंट्स ने, बी हाइव तो आपां नू बी वैक्स है जेड़ा वो आपां ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आपां नू बहुत सारे फायदे ने। हुण अपने कोल है बेटे कॉमन स्पीशीज ऑफ द हनी बीज, दो तरह दियां ने बेटे इंडिजीनस स्पीशीज एंड एग्जॉटिक स्पीशीज। इंडिजीनस एज वी ऑल नो आप पहले भी कर चुके हैं, इंडिजीनस का मतलब की होंगे जो इंडियन हो। ठीक है, इंडिजीनस देसी वेराइटीज, एग्जॉटिक मतलब बाहर वालिया वेराइटीज। इंडिजीनस वेराइटीज के अंदर है बेटे वी हैव इज द एपिस डॉर्सेट, एपिस फ्लोरे एंड एपिस सर दैट वी हैव इज द इंडियन बी एपिस इंडिका। एपिस इंडिका एक नाम याद कर लो। एग्जॉटिक के अंदर वी हैव इज द एपिस मेलीफेरा, यूरोपियन बी है बेटे एपिस मेलीफेरा। ठीक है, तो बीज वी हैव इज द एग्जॉटिक स्पीशीज। ठीक है, हुण अपने कोले बेटे एज यू ऑल नो छत्ते के अंदर तीन तरह दियां मक्खियां प्रेजेंट होंदियां ने, बी हाइव जिन्हों आपां कहने आ, एक क्वीन बी हुंदी है, वर्कर बीज हुंदियां ने ते कुछ मेल्स हुंदे ने जिन्हां नू ड्रॉन्स कहंदे है। सो वी हैव इज द जो तुहानू रिक्वायर्ड है क्वीन बी, वी हैव इज वर्कर बीज एंड वी हैव इज द ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉन मेल वर्कर्स जो हनी इकट्ठा करते हैं, क्वीन है जेडी ओ रेप्लिकेट उन्हां दी वी कैन से फर्टिलाइजेशन दे अंदर बच्चे पैदा करन दे अंदर हेल्प करती है, गाइड करती है, वी कैन से सारे दे सारे छत्ते में। ठीक है, हुण अपने कोल है बेटे आपां आर्टिफिशियली हनी नूं इकट्ठा कर किवें सकदे आ। देखो सब तो पहले की हुंदा है इहदे अंदर वुडन दे चेंबर्स हुंदे ने जिस जगह ते सब तो ज्यादा फ्लावर्स हुंदे ने उन्हां नूं आर्टिफिशियली, देखो नैचुरल तो की है हनी बीज अपने आप कॉम क्रिएट करनगियां, वो तो किते करनगियां किते नहीं करनगियां, बट आपां कमर्शियल परपस नाल हनी प्रोड्यूस करना है ता वुडन दे या मेटालिक चैम्बर्स बने हुए हुंदे ने। उन्हां चैम्बर्स जिवें ऐ लगा लो कि एक डब्बा है, बॉक्स है, बॉक्स दे अंदर ट्रे है। ठीक है, उहदे नीचों दी एंट्री पॉइंट हुंदा है। ठीक है, या साइड्स तो एंट्री पॉइंट है, बीज जांदियां ने अंदर मैश हुंदा है, मैश मतलब जिवें उहनां दे छत्ते दे अंदर छत्ता बनिया हुंदा उवें उवें उहदे अंदर हैगजागनल रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर्स हुंदे ने। मतलब आई हैव इज एक देसी जे तरीके दे नाल समझण दी कोशिश करो, बट आई हैव इज कि अपने कोल की है आउटर
ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਸ਼ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੈਂਬਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਟਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਨੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੀ ਹਾਈਵ ਬੀ ਹਾਈਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ ਟਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸ਼ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਟਰੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਨੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਇਸ ਦਾ ਬਟ ਹਨੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵੈਸਪਸ ਨੇ ਉਹ ਹਨੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਈਟਸ ਜਾਂ ਕਰੋਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹਨੀ ਬੀਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਨੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਵੈਕਸ ਮਿਲੇ ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਹਨੀ ਬੀਜ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈਵ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫੂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਫੂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੋਲਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਡ ਰੈਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਆਫਟਰਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਦੋਂ ਟੈਸਟ ਲਊਂਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ